2600 वर्ग किलोमीटर में फैले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं, और उसका एक कारण है। कारण यह है कि कभी दिन में तो कभी रात में बाघ गांव के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जिस बात का सबसे बड़ा डर था, जिस बात का अंदेशा था, वो बात, वो घटना रविवार की सुबह घटी जब अर्चना सिंह नाम की महिला अपने बेटे के साथ पास के ही खेत में काम कर रही थी। तभी अचानक बाघ झाड़ियों में से निकला और उसने बच्चे पर हमला कर दिया। 15 महीने के अपने बच्चे को बाघ के जबड़ों से बचाने के लिए महिला ने संघर्ष किया। बच्चा लेटरिन करने गया था, माँ लेके गई थी लेटरिन कराने। अच्छा जी, तो माँ को भी रोटी है? हाँ, माँ को पाँच घर आया है चौंक कर। अच्छा, आप बच्चा और अर्चना सिंह, उनको गंभीर चोटें आई हैं। और जो डॉक्टर जिन्होंने उमरिया में इलाज किया, उनका कहना है, डॉक्टर सैफ और डॉक्टर रोहेला का, कि बच्चे को तो चूंकि जबड़े में मुंह था शेर के, तो थोड़ा कम चोटें आई हैं, लेकिन अर्चना सिंह के ऊपर जो हमला किया वो पीठ पर भी किया, और जो नाखून थे शेर के वो बिल्कुल लंग्स तक जाकर, उन्होंने फेफड़ों तक जाकर असर किया। हालांकि उनका कहना है डॉक्टरों का कि एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दिया गया है, लेकिन उनको अभी रेफर कर दिया गया है जबलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। इस सारे प्रकरण को लेकर स्थानीय उप वन मंडल अधिकारी का कहना है, सूचना मिली है कि एक रोहनिया गांव में खेत के अंदर एक टाइगर ने घुस गया है। सूचना आने के बाद हमारे स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंच के फिर पता लगेगा, एक टाइगर ने एक छोटे बच्चे और उनको माँ को घायल किया है। और अभी मौके पे वन विभाग का टीम, रेवेन्यू विभाग और पुलिस विभाग, तीनों विभागों को टीम है। यहाँ पे टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए जो भी साधन हो, ड्रोन्स वगैरह और हाथी है, अभी सब शामिल है यहाँ पे। अभी उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत अभी कार्यवाही की जाएगी। वन मंडल अधिकारी की बात अपनी जगह पर है, पूरा सरकारी अमला लग गया है उस बाघ को भगाने के लिए, उस बाघ को वापस टाइगर रिजर्व के अंदर के इलाकों में ले जाने के लिए। हाथी लगाए गए, पुलिस बल है, और डुगडुगी बजाते हुए लोग हैं वन विभाग के, जो खदेड़ रहे हैं बाघ को। लेकिन जिस बात का सबसे ज़्यादा खतरा गांव के लोग महसूस कर रहे हैं वो ये है कि बाघ के मुंह को खून लग गया है। सलमान रावी, BBC जबलपुर।